फेसबुक के डेटा लीक की खबर तो आपने खूब पढ़ी होगी, टीवी में देखा भी होगा और अपने दोस्तों से सुना भी होगा। दरअसल इसी मामले में 10 अप्रैल को मार्क जुकरबर्ग की अमेरिकी सीनेट में पेशी हुई, जहां पे 44 सीनेटरों ने उनसे काफी कठिन और गंभीर सवाल पूछे। अब सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज मैं बात करूंगा कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में, डेटा लीक के बारे में और उन कठिन सवालों के बारे में जो मार्क जुकरबर्ग से पूछे गए। पहला सवाल, फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को अमेरिकी सीनेट के सामने क्यों पेश होना पड़ा? फेसबुक पर अपने यूजर्स की डेटा के साथ छेड़छाड़ करने और उसे बेचने का आरोप है। इन आरोपों का जवाब देने के लिए ही कंपनी के संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग अमेरिकी सीनेटरों के सामने पेश हुए। जुकरबर्ग ने सांसदों के सामने माना कि उनसे गलती हुई, क्योंकि वो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए फेसबुक के डेटा के इस्तेमाल को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा सके। इससे पहले फेसबुक ने स्वीकार किया था कि 8,70,00,000 लोगों की निजी जानकारियां राजनीतिक सलाह देने वाली कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ गलत तरीके से साझा की गई। दूसरा सवाल, अमेरिकी सीनेट ने जुकरबर्ग से कौन से कठिन सवाल पूछे? करीब 5 घंटे तक चली इस पूछताछ में 44 अमेरिकी सीनेटरों ने मार्क जुकरबर्ग से सवाल पूछे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जिन्हें सुनकर मार्क जुकरबर्ग हकलाने लगे और पानी पीते नजर आए। क्या रूस और चीन की सरकार के पास फेसबुक का डेटा है, जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका के केस में देखने को मिला है? क्या फेसबुक को यूजर्स की परमिशन की जरूरत नहीं है जब वो उनका डेटा बेच रहा है? आप यूजर्स के डेटा से पैसे कमाते हैं और कहते हैं यूजर्स डेटा के खुद मालिक हैं, ये कैसे संभव है? किस तरह की जानकारियां फेसबुक कलेक्ट कर रहा है और किसे भेज रहा है? फेसबुक का इतिहास रहा है डेटा लीक का और 14 साल से आप लगातार माफी भी मांग रहे हैं। क्या आप हेट स्पीच को डिफाइन कर सकते हैं? एक पिता के तौर पर सोशल मीडिया आपको परेशान करता है? आप किस तरह का डेटा अपने सर्वर पर स्टोर कर रहे हैं? क्या आप टेक्स्ट हिस्ट्री, एक्टिविटी और डिवाइस लोकेशन भी स्टोर करते हैं? यूजर्स को चिंता होती है कि आप उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री ट्रैक करते हैं। आप यूजर्स को क्यों नहीं बताते कि उनका डेटा आप कैसे यूज करेंगे? क्या आप लोगों के पॉलिटिकल झुकाव के बारे में जानते हैं? तीसरा सवाल, कैम्ब्रिज एनालिटिका क्या है? कैम्ब्रिज एनालिटिका ब्रिटेन की डेटा का विश्लेषण करने वाली एक बड़ी कंपनी है। कैम्ब्रिज एनालिटिका दुनिया के 200 चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के साथ काम कर चुकी है। यह कंपनी राजनीतिक दलों को चुनावी रणनीतियां बनाने में मदद करती है। इसमें भारत भी शामिल है। एक भारतीय अखबार ने कंपनी की वेबसाइट का हवाला देते हुए कहा है कि इसे साल 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी कॉन्ट्रैक्ट मिला था। हालांकि यह चर्चा में तब आई जब इसने ब्रेक्जिट और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम किया। 2016 के अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित जीत का श्रेय कैम्ब्रिज एनालिटिका को भी दिया गया। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक सरकारी और सैन्य ठेकेदार SCL ग्रुप का हिस्सा है, जो खाद्य सुरक्षा अनुसंधान से लेकर राजनीतिक मसलों पर काम करता है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कैम्ब्रिज एनालिटिका की स्थापना अमेरिका में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर साल 2013 में की गई थी। ट्रंप से पहले इस कंपनी ने रिपब्लिकन सेनेटर टेड क्रूज के लिए भी काम किया था। चौथा सवाल, फेसबुक डेटा लीक का खुलासा कैसे हुआ? ब्रिटेन के चैनल 4 ने कैम्ब्रिज एनालिटिका के कई वरिष्ठ अधिकारियों का स्टिंग ऑपरेशन किया। इसमें कंपनी के सीईओ अलेक्जेंडर निक्स भी शामिल हैं। वीडियो में उन्हें 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का श्रेय लेते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों के डेटा का इस्तेमाल कर उन तक गलत जानकारी, घूस और यहां तक कि यौनकर्मी महिलाएं भी पहुंचाई गईं। साथ ही कनाडा के विसल ब्लोअर 28 साल के क्रिस्टोफर वाइली ने ब्रिटेन के अखबार ऑब्जर्वर को यह जानकारी दी कि उसी ने कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी के लिए ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जिसका इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने किया। हालांकि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने कहा है कि वाइली अपने और कंपनी के काम को गलत तरीके से देख रहे हैं। पांचवा सवाल, फेसबुक का डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका तक कैसे पहुंचा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर अलेक्जेंडर कोगान ने एक पर्सनैलिटी ऐप तैयार किया। इसके लिए उसने फेसबुक से 3 करोड़ लोगों का डेटा लिया। यह डेटा उसने कैम्ब्रिज एनालिटिका को दिया और बताया कि उसने जो भी किया है वह कानूनी रूप से गलत नहीं है। कोगान का कहना है कि कंपनी उन्हें बलि का बकरा बना रही है। कोगान कैम्ब्रिज एनालिटिका में इंटर्न था।
छठा सवाल, कितने लोगों का डेटा लीक हुआ है? कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 8 करोड़ 70 लाख यूजर्स का डेटा शेयर किया है। उनमें सबसे ज़्यादा 81.6% यूजर्स अमेरिका से हैं, वहीं इंडिया से 5,62,455 यूजर्स का डेटा शेयर हुआ है। तीसरे नंबर पर फिलीपींस है, फिलीपींस के करीब 11 लाख फेसबुक यूजर्स का डेटा लीक हुआ है। सातवां सवाल, डेटा लीक से बचने के लिए फेसबुक ने क्या बदलाव किया है? फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने दुनिया भर में अपनी छवि खराब होने से बचाने के लिए इंटरनेट रिसर्च एजेंसी नाम के एक रूसी संगठन के 270 पेज और अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। साथ ही कंपनी ने प्राइवेसी सेटिंग्स में भी बदलाव किए हैं। फेसबुक के चीफ प्राइवेसी अधिकारी एरिन एगन और डिप्टी जनरल काउंसिल एश्ले बेरिंगर ने अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा है, कंपनी यह समझती है कि उसे लोगों को जागरूक बनाने के लिए और प्रयास करने होंगे। इन बदलावों पर पिछले कुछ समय से काम किया जा रहा है। हमें पता चला है कि प्राइवेसी सेटिंग्स और अनइम्पॉर्टेंट टूल को ढूंढना मुश्किल काम है। हम इसके लिए अलग से कदम उठा रहे हैं ताकि आने वाले समय में यूजर्स को उनकी प्राइवेसी पर और अधिक कंट्रोल मिल सके। फिलहाल जो बड़े बदलाव किए गए हैं उनमें अब आपको नई प्राइवेसी टूल और सेटिंग का विकल्प मिलेगा। पेज पर दिखने वाले विज्ञापन को कंट्रोल करने का विकल्प मिलेगा। डिलीट डेटा को भी आसानी से सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये पूरी जानकारी थी डेटा लीक पर, हर पहलू के बारे में हमने आपको बताया। आपको ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे बेल आइकन भी दिख रहा है उस पर भी क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।